हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग मैकेनिक्स के फाउंडेशन डालेंगे। क्लास 11 कोर्स का अराउंड 65% मैकेनिक्स है और अभी आज जो पढ़ाने वाले हैं और अगले एक दो क्लास में जो पढ़ाने वाले हैं, लगभग तीन क्लास में से जो पढ़ाने वाले हैं, ये है उसका फाउंडेशन। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे नोमेनक्लेचर के साथ हम एक्वेंटेड होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा। जहां पर बोर्ड में या स्कूल में आने के लायक क्वेश्चन रहेगा, मैं बता दूंगा कि स्कूल में आता है, आप नोट कर लेना। अदरवाइज जो डाटा मैं अभी लिखूंगा या समझाऊंगा वो आपके समझ के लिए, नोट्स बनाने के लिए नहीं है। और यू मस्ट प्रॉमिस टू योर ओन कि आज की क्लास में मैं जितना सारा चीज पढ़ाऊंगा वो सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि समझ में नहीं आया और एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि सार बोल रहे हैं। नो, साइंस में कोई चीज नहीं है एक्सेप्ट करने के लायक। सार बोल रहे बोल के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, हर चीज को लॉजिकली जस्टिफाई करेंगे क्योंकि एंटायर फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल्स। अगर समझे होगे तो आप लेकर पाओगे। मैं कोई भी चीज नहीं थोपूंगा कि ऐसा होता है, याद रखो, ठीक है। जहां पर आप पूछोगे वहां पर हम सारी चीज बताएंगे और काफी खुद से भी बताएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द बेस्ट चैप्टर, फोर्सेस। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ें, थोड़ा बहुत स्प्रिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, ये तीन आर्टिकल को हम ये चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका वर्क एनर्जी पावर, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फोर्सेस है, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ये सारे मिलके मुझे करीब करीब 6-7 पीरियड या 8 पीरियड लगना है। तो आपको थोड़ा ध्यान से सारी चीजों को सुनना है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद फोर्सेस। बेसिकली आपको माइनर लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है फोर्सेस का मतलब क्या है, आप जानते हो। इट इज द एजेंट बाई वर्च्यू ऑफ विच यू कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी, यू कैन ब्रिंग ए बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, यू कैन चेंज द डिरेक्शन ऑफ मोशन। वो माइनर क्लासेस में पढ़ाया जाता था। कोई बॉडी को स्क्वीज कर सकते हैं, वॉल्यूम घटा सकते हैं अगर ये रिजिड नहीं है तो, किसी को खींच के लंबा कर सकते हैं, किसी को स्क्यू कर सकते हैं मोड़ के, या फिर दरवाजा को खोल सकते हैं, घुमा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो उसका मोशन बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हम फोर्सेस को जानते हैं। ये माइनर क्लासेस वाली चीजें हैं। अब इसको आगे डिवाइड करते हैं। फोर्स को पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फोर्स हुआ, एक हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अदरवाइज कहते हैं फील्ड फोर्स, समझाते हैं। जब भी कोई फोर्स को एक्शन में आना है, किसी भी फोर्स को एक्शन में लाना है, तो क्या है, कम से कम चाहिए एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। किसी फोर्स को एक्शन में आने के लिए दो चीजों की जरूरत होता है, एक एजेंट जो फोर्स लगाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस एजेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इनमें से कोई एक भी गायब रहेगा तो फोर्स तो नहीं बन सकता। मैं कोई ब्लॉक को पुश कर रहा हूं, आई एम द एजेंट, ब्लॉक इज द ऑब्जेक्ट, एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दिया, तो इनमें से कोई एक गायब हो जाएगा तो हो सकता है क्या? नहीं। आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं कहूंगा कि पुश दिस, पुश विद 100 न्यूटन फोर्स। अब बोलोगे किसको किसको पुश करूं, सामने तो कोई है नहीं, तो यू नीड एन ऑब्जेक्ट। एंड कहने का मतलब हुआ एजेंट और ऑब्जेक्ट का खेला है सारा। ये दोनों मिलके काफी चीजें डिसाइड करेंगे, वही मिलके डिसाइड करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स है कि इंटरनल फोर्स है, बैलेंस फोर्स है कि अनबैलेंस फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बस इतना चीज दिमाग में बैठ गया, कोई फोर्स को एक्शन में आने के लिए एक एजेंट होना जरूरी है और एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को छूते हुए फोर्स दे रहा है, टच करके फोर्स दे रहा है, तो हम कहेंगे ये कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। बिना टच किए फोर्स दिया तो, बिना टच किए फोर्स दिया तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है यहां पर, ये ब्लॉक को मैं पुश कर रहा हूं, ये पेन को मैं पुश कर रहा हूं। जब मैं पुश कर रहा हूं, क्या बिना टच किए पुश कर सकता हूं? नहीं, टच करके दे रहा हूं, तो मेरा जो पुशिंग फोर्स हुआ वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, मैं कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा हूं। नहीं, कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, उसके चलते वो जो स्लाइड करता हुआ बॉडी धीरे धीरे रुक जाता है। कोई चीज को फेंक दो किसी फ्लोर के ऊपर, कुछ दूर जाके रुक जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्या होगा बताओ?
कॉन्टैक्ट होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, कोई एक प्लास्टिक बॉल को हमने पानी में डुबो दिया, पानी इसको ढकेल के ऊपर ले आया, इस फोर्स को कहते हैं बॉन्ड फोर्स। ये जो बॉन्ड फोर्स हुआ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? इट इज बॉन्ड फोर्स, पानी बॉल को टच करते हुए पुश कर रहा है, तो बन गया ये कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी हो गया बॉन्ड फोर्स, जिसको कभी कभी आप लोग अपथ्रस्ट कहते हो, है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉन्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ नहीं। अच्छा, और क्या फोर्स हुआ? कोई बॉडी को मैंने एक रस्सी लगा के खींच रहा हूं, कोई ब्लॉक रखा है, ब्लॉक को मैं रस्सी लगा के खींच रहा हूं, तो रस्सी में एक टेंशन प्रोड्यूस हुआ, वो जो टेंशन फोर्स हुआ वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? रस्सी लगा के खींच रहा हूं, रस्सी उसको टच किया, टच करते हुए खींच रहा हूं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। तो हम कहेंगे टेंशन इन द थ्रेड, दीज आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ध्यान रहे, कोई आपको नहीं पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर, गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, समझना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा नोट बनाने के पीछे मत पड़ो, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करो, ऐसा समझो कि इसको रिवीजन करने की कोई जरूरत ना पड़े। कुछ चीजें हम बढ़िया से समझ जाते हैं तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैं किसी एक दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल को इसके पास लाया तो ये पुश हो गया, तो क्या इसको टच करके कर रहा है? नहीं, बिना टच किए ये फोर्स दे रहा है, तो ये फोर्स क्या बनेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये बन गया फोर्स ऑफ मैग्नेट और फोर्स ऑफ मैग्नेट। कोई मैग्नेट किसी आयरन ब्लॉक को खींच रहा है और इसको आप कहोगे मैग्नेटिक फोर्स। एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज को पुश करता है, नेगेटिव चार्ज को पुल करता है अपनी तरफ, तो जो पुशिंग पुलिंग फोर्स हुआ बिटवीन चार्जेस, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट हुआ। अच्छा बताओ, ये पेन का एक वेट है, क्यों है? क्योंकि अर्थ खींच रहा है, तो क्या अर्थ इसको हाथ पकड़ के खींच रहा है? नहीं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको समझ में आया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फील्ड फोर्स को भगाया, इसको फील्ड फोर्स कहते हैं, आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल तीसरा हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या मैं आपको समझा पाया छोटे छोटे दो चीज? यस, दो चीज मैं आपको समझा पाया, ठीक है। फिर आता है फोर्स दूसरा, फोर्स को दूसरे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोर्स को और भी क्या कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। अब बात हुआ एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स किसको कहेंगे, क्योंकि जैसे हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे वो कहेगा एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तो वहां पर अगर ये प्रॉपर एडजेक्टिव हमें समझ में नहीं आता है तो यू कैनॉट यूज। तो एक्सटर्नल फोर्स किसको कहेंगे, इंटरनल फोर्स किसको कहेंगे? अभी तक हमें इतना पता चल चुका है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कोई भी बॉडी के बीच में जो फोर्स है, इट इज बिकॉज ऑफ द एजेंट एंड द ऑब्जेक्ट। कोई एजेंट किसी एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं कि कोई छोटी सी भी चीज किसी का मिस ना हो जाए। ये आदमी इस ब्लॉक को पुश कर रहा है, इसका नाम कानून है, कानून का हाथ लंबा है, ठीक है। तो ये पुश कर रहा है, जब ये इसे पुश कर रहा है तो ही इज द एजेंट, ही इज द ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अपना बाउंड्री है, एजेंट है, एजेंट का अपना बाउंड्री है। एजेंट जो है ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के बाहर खड़ा है, एजेंट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो फोर्स लगाएगा उसको कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का फोर्स। बात समझ में आया? सो हियर इट इज द फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स हो रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है,
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये जो एजेंट है वो क्या है, कहाँ है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, कैसे? ये मान लो है कोई एजेंट जो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर खड़ा है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर खड़ा होते हुए क्या कर रहा है, अंदर से खड़े होकर उसको पुश कर रहा है। नाउ हाउ इज द फोर्स गिवेन? यू से इंटरनल फोर्स। आप कार के अंदर बैठ के कार को पुश कर रहे हो, यू आर गिविंग इंटरनल फोर्स ऑन द कार। आप कार के बाहर खड़े होके कार को पुश कर रहे हो तो यू आर गिविंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द कार। क्या बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर एजेंट ऑब्जेक्ट की बाहर है, कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाई इंटरनल फोर्स, कोई नहीं पूछेगा। आपको समझना जरूरी है क्योंकि आगे चल के हर जगह ये एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स का लफड़ा आके खड़ा हो जाएगा। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। तो जब बॉडी टकरा रहे होंगे आपको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इफ ए बॉडी इज रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट और इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी न्यूटन्स लॉ। हर जगह ये एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स की लफड़ा आने लगेगा। तो जब प्रैक्टिकल केसेस आएंगे आपको देखना है कि बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है कि इंटरनल फोर्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बढ़िया। एक्सटर्नल फोर्स देख लीजिए, इंटरनल फोर्स देखिए। तीसरा आइटम देखेंगे ये है बैलेंस्ड फोर्स ऑन बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो गया ये? बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स अगर कोई दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स आ रहे वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। बैलेंस्ड फोर्स मतलब रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस इज जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब हुआ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द फोर्सेस इज नॉट जीरो। रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस इज नॉट जीरो। जैसे हम कहेंगे यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है भैया, इसके ऊपर दो फोर्स आ रहे, ऐसा एक फोर्स आ रहा है, ऐसा एक फोर्स आ रहा है, और दिया है कि ये दोनों फोर्स ऐसे हैं कि एक है 10 न्यूटन का, दूसरा है 10 न्यूटन का। तो आप कहोगे दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिंपल सा चीज है। और अगर कोई ब्लॉक है ऐसे, इसके ऊपर दो फोर्सेस आ रहे हैं, फोर्सेस आ रहे हैं, तो यहां पर ये एक फोर्स दे रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स दे रहा है 6 न्यूटन का, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। सिंपल हो गया, कितना डिफिकल्ट नहीं है। अब कोई भी फोर्स आप देखोगे तो इट हैज टू बी आइदर ए कॉन्टैक्ट फोर्स और ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इट शुड बी ए बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इट शुड बी ए एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। ये होना है, मतलब कोई भी फोर्स पूछेंगे तो आपको होगी ये बैलेंस्ड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, बैलेंस और नॉन बैलेंस, एक्सटर्नल इंटरनल, ये आपको पता चलना चाहिए कौन सा फोर्स है। जैसे मैं पूछूं, देखते हैं अगर तुम में से जो लोग बढ़िया से समझ रहे सिर्फ वही लोग आंसर करेंगे, दिमाग फाड़ू कोशिश रहे। मेजरिटी बच्चे किसी को पूछोगे तो देखोगे गलत बोल देते हैं। आप जानते हो कि वेट ऑफ ए बॉडी इज ए फोर्स, ये पेन का वेट है, इट्स ए फोर्स। वेट ऑफ द पेन इज ए फोर्स, है ना, किस डिरेक्शन में? डाउनवर्ड है। अगर इसका मास एम है, वेट कितना है? एम जी, तो एम जी इज ए फोर्स। बताओ वेट ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? सोचो और बताओ, वेट ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? वेट ऑफ ए बॉडी, वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्सटर्नल और इंटरनल? ये हो गया क्वेश्चन। क्या कोई बताना चाहता है, हाथ उठा सकता है? एनीवन वांट्स टू से वेट ऑफ ए बॉडी इज एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स? कितने लोग इंटरनल बोलते हैं, हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू से इंटरनल? कोई नहीं। कितने लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, हाथ उठाइए।
हाउ मेनी ऑफ यू से इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स? वेरी गुड, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, इसका जो वेट है वो एक फोर्स है, उस फोर्स को अगर हमें रियलाइज करना है तो मुझे एजेंट और ऑब्जेक्ट को समझना है। एजेंट कौन है? अर्थ। अर्थ इसको खींच रहा है, ये बन गया एजेंट। किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और अर्थ खींच रहा है तो बना फोर्स। क्या एजेंट ऑब्जेक्ट की बाउंड्री के अंदर है? नहीं है, बाहर है। तो आप कहोगे इट इज एक्सटर्नल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? वेट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। छोटा सा चीज है, बट यू जस्ट मजे मजे में बाकी दोस्तों से ट्राई कर लेना इन योर इंस्टीट्यूशन वेर एवर यू आर। मेजॉरिटी विल से इंटरनल फोर्स, क्योंकि बॉडी के अंदर से आता है। ये चीजें बड़े बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बढ़िया है, आप लोग मस्त कर रहे हो। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कुछ देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग एम्फासिस देंगे कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और ये मैकेनिक्स चैप्टर है, यहाँ पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो देखे हम लोग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, ये सब चीजें जो है उनमें से फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स वो क्लास 12 में आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म चैप्टर आएंगे। 11 में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सिर्फ एक ही फोर्स को आपको झेलना पड़ेगा, वो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग बात कर रहे थे, जब भी हम किसी फोर्स को देखेंगे तो उसके बारे में ये पता करना जरूरी है कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और क्लास 11 में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स में सिर्फ हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं। वो चीजें आपको मालूम है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्लास 11 में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या डील करने वाले हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमें डील करने वाले वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू mg। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में यही आएगा। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। जिसमें g का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? g का वैल्यू लेते हैं 9.8, हम लोग लेंगे 10 kg, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और m को अगर हम लेंगे kg में तो mg क्या हो जाता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जानते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अदरवाइज कहते हैं न्यूटन। सीजीएस यूनिट में लिखो तो ये बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं डाइन। ये छोटे मोटे चीज आपको मालूम है, मैं ऐसे ही लिख दिया। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? याद है क्या? 10^5 डाइन, ये आपको याद होगा, ठीक है ना? इसको फैलाने की क्या जरूरत है आपको मालूम है, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आया वेट ऑफ ए बॉडी व्हिच इज गिवन बाय mg, m हो गया मास इन kg। और आप अगर अर्थ से मून तक जाओगे, अलग अलग जगह पे आपको मास बराबर मिलेगा कि वेट बराबर मिलेगा? मास इज द स्टफ इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो माल है, जो मेटेरियल है, उसको मास कहते हैं। वो यहां पे होगा तो वहां पे भी होगा, है ना? मून पे जाओ, अर्थ पे जाओ, हर जगह मास बराबर रहेगा, बट वेट विल चेंज, क्योंकि मून पे जी का वैल्यू जी बाई 6 हो जाता है। सो वेट ऑफ ए बॉडी इज डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रेविटेशनल फील्ड्स, बट मास इज सेम, ठीक है। मास इज सेम बट वेट इज डिफरेंट। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग इस फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और हमें लगे हाथ ये भी समझ में आया कि ये जो वेट है इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज ए गिव एग्जांपल ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कोई नहीं पूछेगा। अभी तक कुछ भी नहीं मैं लिखा हूं जिसको स्कूल में पूछेंगे, ये खाली समझने के लिए था। एक्सटर्नल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग दो किस्म के फोर्स देखेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें हम लोग दो किस्म के फोर्स देखेंगे। पहला देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन। रिमेंबर दिस इज नॉट ए शॉर्ट नोट, समझने के लिए स्कूल में नहीं पूछेंगे व्हाट यू मीन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नहीं पूछेंगे। बस समझना है नॉर्मल रिएक्शन क्या है। व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट,
द एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर, अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर इन ए डिरेक्शन नॉर्मल टू, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल टू देयर स्मूथ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट, स्मूथ सरफेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। बढ़िया से बेटा स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेना, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सर क्यों लिखे, सर समझोगे, बुक नहीं पढ़ना है, सीधा बुक के एक्सरसाइज करना है, सीधा बुक खोलो चैप्टर में एक्सरसाइज करो, डोंट गो फॉर द थ्योरी, बड़ा कंफ्यूज कर देंगे आपको। व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर एट इन ए डिरेक्शन नॉर्मल टू देयर स्मूथ सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब हुआ कि सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक बॉल रखा है, ये कोई एक बॉल है, कहां रखा है, किसी फ्लोर पे रखा है, ये फ्लोर पे ऐसे रखा है, यहां पर एक वॉल है और ये ऐसा है। अब यहां पर क्या हुआ, उसी फ्लोर पे सपोज हम कहेंगे इसी फ्लोर पे कोई एक रॉड रखा गया है, कैसा रॉड है वो दिखने में कुछ ऐसा वाला, ऐसा वाला रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड को ऐसे रखा गया है इस पॉइंट में, ठीक है। और हुआ क्या है, ये रॉड को मैं यहां से हींच कर दिया, ध्यान से देखना हम लोग धीरे धीरे मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं भैया। अब हाउ मेनी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है देयर, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, यहां पर दो बॉडी आपस में टच कर रहे हैं, कहां पे, यहां पे टच कर रहे हैं, यहां पे टच कर रहे हैं, एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट द बॉडी विल एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं कैसे देंगे, थोड़ा मैं फिगर को बढ़िया कर देता हूं ताकि यू विल ऑल्सो एंजॉय द डायग्राम। ये होगी फ्लोर, ये होगी वॉल, चल मैं ले लूं ऐसा, और फिर ये बेचारा स्पीयर को क्यों छोड़े, स्पीयर को भी ले लेते हैं, ये होगी स्पीयर, चल द स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट, द स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ सेवरल थिंग्स हियर नाउ। तो एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट, इस पॉइंट में ये स्पीयर इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, कैसे, नॉर्मल टू दी ये पुशिंग फोर्स, दे एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये स्पीयर इस रॉड को पुश कर रहा होगा, कोई फोर्स एफ वन में, किस डिरेक्शन में, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड एट दिस पॉइंट ये रॉड इस स्पीयर को पुश कर रहा होगा विद फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, ये फोर्स ही एफ वन होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, सब जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एट दिस पॉइंट ये मैं बात कर रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, एट दिस पॉइंट ये स्पीयर फ्लोर को पुश कर रहा होगा विद फोर्स एफ टू नॉर्मल टू द फ्लोर, और फ्लोर बॉल को पुश कर रहा होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। एट दिस पॉइंट ये वॉल को पुश कर रहा होगा कुछ फोर्स एफ थ्री में, तो वॉल भी बॉल को पुश कर रहा होगा विद फोर्स एफ थ्री। एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट द बॉडी इज एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर इन ए डिरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर, यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू देयर स्मूथ सरफेसेस, मतलब ये जो सरफेसेस है ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स नॉर्मल होगा। अगर फ्रिक्शन है तो पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में क्या होगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। तो हर एक वार्निंग को ध्यान देना, अगर ये सरफेसेस पूरा स्मूथ है ना,
कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट दे आर एग्जर्टिंग फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर। समझ में आया? अच्छा, इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। लिखते हैं दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पहला फोर्स देखे नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फोर्स जो हमारे जरूरत में आए उसको हम कहेंगे टेंशन इन ए थ्रेड। टेंशन इन ए थ्रेड, हम तो जानते हैं कि टेंशन इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फिर किसी धागे में, किसी रस्सी में अगर टेंशन हुआ तो भी एक फोर्स होगा। फोर्स होगा तो डायरेक्शन होगा। हाँ सर, क्यों नहीं होगा? फोर्स तो फोर्स है, उसका डायरेक्शन तो होता ही है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बताओ, अगर आप लोग इतना समझदार हो, ये पूछ के देखना अपने दोस्तों से, जानते हैं कि टेंशन इज ए फोर्स, उसको पूछोगे टेंशन इज ए वर्क, ये फोर्स और एनर्जी और व्हाट, वो कहेंगे एक टेंशन इज ए फोर्स। अच्छा फोर्स है तो बताओ, ये एक थ्रेड है, रस्सी है, रस्सी को मैं दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहा हूं, तो उसका मिड पॉइंट में टेंशन है क्या? हाँ है, क्योंकि जोर से खींचेंगे तो टूट जाता है। तो मिड पॉइंट में अगर टेंशन है तो किधर को है, किस डायरेक्शन में है? अरे टेंशन तो फोर्स है लेकिन डायरेक्शन किधर को है, हम दोनों तरफ से बराबर खींच रहे हैं इसको, है कि नहीं? इसका मतलब टेंशन क्या है वो भी हमें ढंग से समझना है। टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स with which one section of thread pulls the other section at that point। समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लिखना चाहो लिखो, लेकिन आपको कोई नहीं पूछने वाला डिफाइन टेंशन इन ए थ्रेड। ये अभी तक स्कूल में राइटिंग में आने के लायक कोई चीज नहीं बताया, खाली आपके समझ की ग्लोसरी में मैं भर रहा हूँ। इन योर द लाइब्रेरी ऑफ योर माइंड आई एम पुटिंग सम डाटा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा अपना चैप्टर। अभी मेरा चैप्टर स्टार्ट कहाँ हुआ है ना? अच्छा तो क्या कहता है, किसी एक थ्रेड में ध्यान से देखो और समझो, अगर ये कोई एक रस्सी है, कोई थ्रेड है, ये थ्रेड को मैं इधर से 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहा हूं, इधर से बंधा हुआ है तो बेचारा थ्रेड रेस्ट में। अब मुझे पूछा कि बताओ टेंशन यहां पे कितना है, तो ध्यान से देखें, टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट एट दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज, कैसे, द फोर्स विथ विच वन सेक्शन ऑफ थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन। अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं भैया और मुझे टेंशन पता करना है किसी एक पॉइंट में, तो ओहो टेंशन किसी एक पॉइंट में पता करना है तो कहां पे पता करना है, ये पॉइंट में पता करना है। पहले इसको यहां से तोड़ो और देखो कि ये वाला सेक्शन कितनी जोर से खींच रहा है। अब ये वाला सेक्शन को ये खींच रहा होगा, जितने भी जोर से खींच रहा है वही टेंशन है। और आप जानते हो ये इसको जितनी जोर से खींचेगा ये उसको इतनी जोर से खींचेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया क्या? अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली हिस्सा को कितनी जोर से खींच रहा है वही ये टेंशन है। मतलब टेंशन का डायरेक्शन क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड एट ए पॉइंट, इट इज डिफाइंड ऑन ए सेक्शन। ऑन दिस सेक्शन टेंशन इज इन दिस डिरेक्शन, ऑन दिस सेक्शन टेंशन इज इन दिस डिरेक्शन। हाँ सर समझ में आया। हाँ मैग्नीट्यूड कितना है सोचना है, जब इसको मैं 10 न्यूटन में खींच रहा हूं और ये इधर से बंधा हुआ है, ये तो मूव नहीं कर पाएगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये भी तो मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा था, समझ में आया, मैं खींच रहा था इधर बंधा हुआ था, ये क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि मैं खींच रहा हूं और ये दूसरा वाला हिस्सा इसको खींच के रखा है।
तो ये फोर्स कितना होना चाहिए कि ये मूव नहीं करेगा? ये 10 न्यूटन है, तो ये फोर्स कितना होगा कि ये मूव नहीं करेगा? तो ये 10 न्यूटन होना जरूरी है। मतलब पता चल गया कि टेंशन इज 10 न्यूटन। क्या बात, समझ में आया? किसी भी पॉइंट में टेंशन पता करना है, वहां पे उसको तोड़ो, देखो कि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को कितनी जोर से खींच रहा है। जितनी जोर से खींच रहा है दैट इज द टेंशन। कहने का मतलब हुआ टेंशन किसी बॉडी को सिर्फ खींच सकता है, ढकेल नहीं सकता। क्या आप रस्सी लगा के कोई चीज को ढकेल सकते हो? नहीं, खींच सकते हो। टेंशन इज द पुलिंग फोर्स, इट इज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन इज पुलिंग द अदर सेक्शन। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन को सिर्फ पुल कर रहा है। टेंशन कैन नॉट पुश ए बॉडी। सर इतना डिटेल में जाना जरूरी था क्या? बहुत जरूरी है, 100% जरूरी है आगे की चीज को समझने के लिए। तुरंत इसके बाद ही हम लोग, यस बेटा बताओ सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, ये 10 न्यूटन का। अच्छा, तुम्हारा माइक्रोफोन में तुम्हारे साथ साथ और कोई दूसरा भी जिन कर जाता है, इसलिए समझ में नहीं आया। नहीं, हु इज देयर विथ यू? यस सर। तुम्हारे साथ और कौन है? नहीं सर, वो आज सर आप मैसेज किए थे ना सर 4 बजे आना बोल के, तो नहीं देख पाया मैं, सो गया था। सो गया तो तुम्हारे लिए तो गाना लिखा है, सो गया था ना। तुम्ही लोगों के लिए लिखा है, कोई महान महापुरुष लिखे, उठरे उठरे उत्कल संतान, कभी सुने? उठरे उठरे तेलुगु संतान, बंगाली संतान, बिहारी संतान, ना है उत्कल संतान, क्योंकि सो जाते हैं हम लोग, है ना। आई रिपीट एवरीथिंग अगेन, लिसन। टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ थ्रेड पुल्स द अदर सेक्शन एट दैट पॉइंट। किसी थ्रेड में, किसी पॉड में टेंशन पता करना है तो उस थ्रेड को वहां से काटो, दो टुकड़ा करो और सोचो कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को कितने जोर से खींच रहा है। जितने भी जोर से खींच रहा है वही टेंशन है। अच्छा, तो ये जो फोर्स है ये टेंशन है, ये जितने जोर खींचेगा ये भी उसको उतने जोर खींचेगा, ये भी टेंशन है। On this section, tension is in this direction. On this section, tension is in this direction. Now, कितना है tension? Direction तो पता चल गया, magnitude कितना है? अब देखो, जब मैं इसको खींच रहा हूँ, क्योंकि ये इधर से बंधा हुआ है, तो ये तो move नहीं कर रहा। It is not able to move. ये thread कैसे move करेगा इधर बंधा हुआ? मतलब ये thread move नहीं कर रहा, ये move नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी हिस्सा move नहीं कर रहा। मतलब ये वाला हिस्सा भी move नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं खींच रहा हूं 10 न्यूटन में और ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा वाला थ्रेड इसको खींच रहा है। तो कितना जोर से खींचेगा कि मूव नहीं करेगा? मैं खींच रहा हूं 10 में, अगर ये भी इसको 10 में ही खींचेगा तो कहां मूव करेगा? नेट फोर्स जीरो हो गया, बैलेंस हो गया। इसका मतलब टेंशन कितना है? 10 न्यूटन। क्या समझ में आया? समझ में आया तो अभी तैयार हो जाओ आंसर देने के लिए, क्योंकि तुमको समझ में आ गया। जिनको समझ में आता है वो आंसर देते हैं, हमारे यहाँ रिवाज। ये कोई दूसरा केस मैं देता हूं, अभी कोई हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जिसको आंसर आता है हाथ उठाना। ये कोई एक थ्रेड है, इस थ्रेड को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स में, और यू इंटेलिजेंट हैव टू फाइंड आउट द टेंशन एट द मिड पॉइंट। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टेंशन एट द मिड पॉइंट? जिनको आता है हाथ उठाओ। अब कोई रस्सी को दोनों तरफ से खींचेंगे तो टेंशन होगा ना, कितना है टेंशन? कोई बोलना चाहेगा? तनु, यस सर, कितना है टेंशन? वाओ, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सो लेस कि वहां से यहां पर आने के लिए इतना समय लग रहा है। गधा, वी आर डिजिटली कनेक्टेड। एनीवन एल्स? मतलब मैं ठीक से नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैं फिर से अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि पहला चीज है, पहली बार आप सुन रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आया, तो जितना कसूर आपका है उतना कोशिश मेरा है। कोई किसी को भी कोई नहीं बता पा रहा है, मतलब सारा कसूर मेरा है। लेट मी ट्राई अगेन। टेंशन इन ए थ्रेड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ व्हिच वन सेक्शन ऑफ द थ्रेड इज पुलिंग द अदर सेक्शन ऑफ द थ्रेड एट दैट पॉइंट। ये जानकारी हमारे पास है। Keeping this जानकारी in mind, we go forward, we approach here. मुझे पता करना था टेंशन इधर, तो पहले मैं काटा,
मैं टेंशन पता करना चाहता हूँ, मैं देखूंगा कि ये वाला थ्रेड इसको कितने जोर से खींच रहा है, जितने भी जोर से खींच रहा है वही टेंशन है। अब हमें यह भी मालूम है कि ये इसको जितने जोर खींचेगा इसको ये उतने ही जोर खींचेगा अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, लेकिन है ये टेंशन कितना? अब देखो ये दोनों तरफ टेन टेन है, क्या ये थ्रेड मूव करेगा? नहीं, ये थ्रेड नहीं मूव कर रहा है, तो ये सब पार्ट भी उसके मूव नहीं करें, ये भी मूव नहीं कर रहा होगा। मैं इधर दे रहा हूं टेन और ये खींच रहा है इसको टी में और ये मूव नहीं कर रहा है, तो टी का वैल्यू कितना हुआ? वही टेन न्यूटन। क्या बात, समझ में आ रहा है? मतलब इधर दोनों तरफ से खींचेंगे टेंशन टेन होगा, एक तरफ बांध के एक तरफ से खींचेंगे टेंशन टेन होगा, समझ में आया क्या? तीसरा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे को बदनाम मत करो भाई, मैं बहुत मेहनत करके टीचर बना हूं, 30 साल पढ़ाने के बाद मुझे लोग टीचर कहते हैं। अच्छा, टेंशन के बारे में दूसरा पॉइंट, तुम लोग नहीं समझोगे तो मैं फिर से डाउनफॉल हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा, लोग बोले क्या पढ़ाते हैं क्या मालूम, समझ में नहीं आता है। नहीं, हाँ, कोशिश करना मेरे को जिंदा रखने। बीट बी, टेंशन के बारे में और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फॉर ए मासलेस थ्रेड, मासलेस थ्रेड पासिंग ओवर आइडियल पुलीज द टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में टेंशन बराबर होगा। यहां पर एक नया वर्ड यूज कर लिया, आइडियल पुली। पुली मतलब समझते हो ना, वो जैसा रहता है उसके ऊपर से थ्रेड जाता है, कुएं से पानी निकालते हो थ्रू ए पुली, खींचोगे तो इधर से बकेट निकल के आता है ऊपर, देखे हो कि नहीं देखे हो, ऐसे खींचने से चढ़ता है, ये पुली। आइडियल पुली कब कहेंगे? जब ये पुली स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, और नॉट एंड, और इसका मास काफी कम है, जो पुली है बहुत हल्का पुला, मान लो कि प्लास्टिक का बनाया हुआ है और इधर आप 15 kg का पानी उठा रहे हो, इसके वेट के सामने इसका मास कितना है? 50 ग्राम, तो आप इसको आइडियल पुली कह सकते हो। और द पुली स्मूथ, पूरा इतना स्मूथ है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, दोनों केस में हम इसको आइडियल पुली कहते हैं। आइडियल पुली का मतलब याद रहे, आइडियल पुली का मतलब स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, और एनी मासलेस, काफी जगह में गलत पढ़ा देते हैं, कहते हैं कि स्मूथ एंड मासलेस होना चाहिए, नो, इट शुड बी स्मूथ और मासलेस। क्यों एम्फसिस दे रहा हूं? जी में आ चुका है, पुली शुड बी एन आइडियल पुली, इफ इट इज स्मूथ इट इज मासलेस, इफ इट इज मासलेस इफ इट इज स्मूथ और मासलेस स्मूथ एंड मासलेस, चारों ऑप्शन दे चुका, बेस्ट ऑप्शन हुआ इट इज स्मूथ और मासलेस, समझ में आया क्या? आइदर स्मूथ होगा तब भी आइडियल पुली कहेंगे, और अगर मासलेस होगा तब भी आइडियल पुली कहेंगे। आइडियल पुली इज ए स्मूथ और मासलेस पुली, स्मूथ और मासलेस पुली। तो क्या बोल रहा है? फॉर ए मासलेस थ्रेड, मतलब जिस रस्सी के बारे में बात करें उसका मास भी काफी कम है, रस्सी लेंगे तो उसको हम कहेंगे मासिव रोप, रस्सी का भी अपना वजन है, तो ये थ्रेड ले लिया कोई मास नहीं है। पता चला 25 मीटर लंबा थ्रेड लिया, वजन हुआ 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इट इज मासलेस। तो फॉर ए मासलेस थ्रेड पासिंग ओवर आइडियल पुलीज, बोल रहा है कि टेंशन हर पॉइंट में बराबर होगा, मतलब अगर हम कहेंगे कि यहां पर एक पुली है और ये पुली में यहां से कोई थ्रेड इसके ऊपर से जा रहा है, और पता चला कि इधर कोई एक ब्लॉक लगा है, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये 2 kg 3 kg का ब्लॉक को इसे बांध के छोड़ दिया गया, तो पता चला कि इसका वजन ज्यादा था, ये नीचे आने लगा और ये ऊपर जाने लगा, मतलब इसमें हर वक्त यहाँ पे कुछ टेंशन था। तो आप कहोगे यहाँ पे टेंशन निकालोगे ए में और ये बी में, तो आप कहोगे कि इधर हैवी वेट है टेंशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। याद रखना, इफ इट इज ए मासलेस पुली एंड
मासलेस थ्रेड अरेंजमेंट, तो आप होगे टेंशन एट ए और टेंशन एट बी बराबर होंगे। क्या बात, समझ में आया? कंडीशन याद रखना, दिस मस्ट बी मासलेस आइडियल पुली, ये आइडियल पुली होना जरूरी है, नहीं तो टेंशन में डिफरेंस आएगा और आपकी पूरा सिलेबस में सिर्फ आइडियल पुली ही है, दूसरा पुली नहीं है, दूसरा पुली नहीं है। क्या बात, समझ में आया? बढ़िया। तो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिस फोर्सेस को हम यूज करने वाले हैं, कुछ जरूरत की फोर्सेस के बारे में देख लिए। बहुत सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग देखे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द वेट ऑफ ए बॉडी। कॉन्टैक्ट फोर्स में देखे हम लोग क्या, दी टेंशन इन ए थ्रेड एंड नॉर्मल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर यहां से शुरू, ठीक है? क्या चैप्टर, पहले देखेंगे व्हाट इज इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज, चैप्टर स्टार्ट हो गया भैया, सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इफ इट हैज नो एक्सीलरेशन, बढ़िया है, कितना सिंपल है। बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सीलरेशन, कोई बॉडी का कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कहेंगे। जैसे जैसे हम कहेंगे कि सपोज एग्जांपल में कहेंगे कि ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल, कोई बॉडी अगर टेबल के ऊपर रखा है, हाँ रखा है बुक में, बुक ऑन टेबल इज इन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं? आप बेंच के ऊपर बैठे हो, यू आर इन इक्विलिब्रियम। और ए कार मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कोई कार कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, देन ए बॉडी मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, यू मास्टर यू नो द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। जब कोई कार कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में जाता है उसका एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो ये सब इक्विलिब्रियम में है। सिंपल सा चीज है, ठीक है? तो आपको कोई पूछेगा व्हेन ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। यहां पर मैं बताते बताते कुछ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन सिर्फ वो एक्सीलरेशन नहीं है जो आप समझते हो। यहां पर एक्सीलरेशन रेफर्स टू ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर एक्सीलरेशन होता है वैसे एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है। यहां पर एक्सीलरेशन जीरो होगा का मतलब हुआ लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो। लेकिन अभी हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एजेंट टॉर्क और मोमेंट ऑफ ए फोर्स के बारे में अब हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन के बारे में बात करें। तो जो इक्विलिब्रियम की बात यहां पर हो रहा है इसको आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, मतलब नेट एक्सीलरेशन जीरो। बट इक्विलिब्रियम का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम होता है। तो मैं समझाने के लिए टर्म लिखता हूं, डरना मत, ट्रांसलेशनल बता देता हूं, क्योंकि कोई दूसरा देखेगा तो कैसे बता दिया, ऐसे सोचेंगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब जैसे पंखा को स्विच ऑन किए, उसका एंगुलर स्पीड धीरे 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 बढ़ रहा है, इट इज अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन। जब पंखा चलने लगा थोड़ी देर के बाद तब वो कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रहा है, तब वो इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम, तब उसका एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है, लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं है, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा क्या? लेकिन शुरू शुरू में वो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ये इसका लीनियर एक्सीलरेशन नहीं है लेकिन एंगुलर एक्सीलरेशन है। तो चलो गहरे में ज्यादा नहीं जाते, अभी नॉर्मल आपकी लेवल पे निपटाते हैं। क्या हुआ, हुआ ये कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, हम कब कहेंगे,
जब वो बॉडी को आप देखोगे कि इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, दो एग्जांपल आपके सामने दे दिए। अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये तीन टाइप के, कोई नहीं पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, कोई नहीं पूछेगा, समझ लो खाली, ठीक है। और ये भी नहीं पूछते हैं किसको बॉडी इक्विलिब्रियम में कब है, नहीं पूछते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हम चैप्टर में घुस चुके हैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी ये वाई को पिस खा गया, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इसको आगे आगे मैं EQM लिखने वाला हूं, ध्यान रखें इतना लंबा कौन लिखेगा, मेरा पेन का इंक खत्म हो जाता है। अब देखो बॉडी रेस्ट में मैं अलग अलग किस्म की बॉडी को दिखाता हूं, ये कोई एक ऐसा शेप का बॉडी है, ध्यान से देखना ये ऐसे खड़ा है, दिस बॉडी इज स्टैंडिंग लाइक दिस, दिस इज ए कोनिकल फ्रस्ट्रम, इट्स ए कोनिकल फ्रस्ट्रम, में डंडा यहाँ पे दिखा है, इस बॉडी यहाँ पे खड़ा है, बढ़िया है, दिस बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन दिस, ठीक। मैं एक दूसरा बॉडी लेता हूँ, कैसा वाला, ऐसा ही वाला है लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है, ऐसे हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। या इसके ऊपर ये खड़ा है, मतलब इसमें हुआ यूं है कि ये जो डायग्राम है ये यहाँ से इसको खा गया, ठीक है। अब डायग्राम थोड़ा कंप्लीट कर देता हूं, ये ऐसा है और इधर से ऐसा है, ये भी बॉडी खड़ा है, ठीक है। तीसरा हुआ, तीसरा हुआ कोई एक स्पीयर, कोई एक स्पीयर जो ऐसा शेप का है और वो भी यहां पे खड़ा है। यू सी ऑल दिस थ्री बॉडीज आर एट रेस्ट, ये तीनों का तीनों रेस्ट में रखे हैं, अगर रेस्ट में रखे तो तीनों इक्विलिब्रियम में, ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, फॉर द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद इट। चीजों को समझना, कोई उसके ऊपर शॉर्ट नोट नहीं पूछेंगे, बट पक्का ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं भी पूछूंगा। अब ये तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में, अगर ये जो बॉडी है इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करता हूं, सपोज ये जो बॉडी है इसको मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा करता हूं और छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, घूम करके गिर जाएगा, है कि नहीं, ये घूम करके गिर जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूं, टेढ़ा करता हूं, छोड़ देता हूं, ये गिर जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो है, कोई थोड़ा सा धक्का मुक्का दिया तो गिर गया, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे वो वापस नहीं आएगा, अपना इक्विलिब्रियम पोजिशन छोड़ के भाग जाएगा। सो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, अब अगले को अगर मैं थोड़ा सा धक्का देता हूं भैया, इसको अगर मैं थोड़ा सा धक्का ऐसे दिया और छोड़ दिया तो तुरंत इसे खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग बचपन में वो हिटमी वाले डॉल के साथ खेले होंगे, वो हिटमी वाली डॉल में क्या होता था, ऐसे होता था उसका बेस, और ये डॉल में नीचे कुछ वजनदार चीज को चिपका देते थे, और ये वजनदार चीज नीचे होने की कारण क्या होता था, ये वजनदार चीज जब आप इसको धक्का मारते थे ये फिर से वापस खड़ा हो जाता था, है कि नहीं? अगर ये जो हिटमी वाला खिलौना है, इस खिलौने को आप ऐसे पकड़ोगे, थोड़ा टेढ़ा करोगे, छोड़ दोगे तो क्या होगा, तुरंत फिर से वापस आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये कौन सा हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि उसका हेवी वाला पार्ट नीचे था, हेवी वाला पार्ट नीचे था तो ये वापस आ जाता था, तो इसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आया? तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जिसको थोड़ा सा धक्का देने से वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ के भाग जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, जिसको थोड़ा सा धक्का देने से, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने से, बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे तो गिर ही जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाता है। व्हेन अ बॉडी इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड रिलीज्ड, इफ इट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। If it falls out of equilibrium position, then it is unstable equilibrium.
अब सोचो तीसरे के बारे में, इसको अगर मैं थोड़ा सा धक्का दे दिया भैया तो क्या होगा, ये थोड़ा सा सरक जाएगा और आके यहां पे खड़ा हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ना, ये गिरेगा ना, ये वापस आएगा, एक नया पोजीशन लेके फिर से खड़ा हो जाएगा। इट लाइक ए न्यू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इमीडिएटली आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट, इट विल नाइदर फॉल आउट ऑफ इक्विलिब्रियम नॉर इट विल रिस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट विल रिमेन इन द न्यू पोजीशन। क्या ये गिर गया? नहीं। क्या ये वापस आया? नहीं। जहां छोड़े वहीं रुक गया, तो क्या कहेंगे? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. तो फिर प्रूफ करो कि तुमको समझ में आया। आई एम गिविंग यू ए स्मॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि किसी एक फ्लोर का शेप दिखने में कुछ इस किस्म का था, किसी एक फ्लोर का शेप कुछ इस किस्म का था, और उसी फ्लोर पे हमने क्या किया, एक छोटा सा ब्लॉक को अलग अलग जगह पे रखा। आई केप्ट इट हियर, उसको रखा हियर और उसको रखा हियर। सोचो ये तीनों कोई ब्लॉक के बारे में, पोजीशन ए में भी वो रेस्ट में है, बी में भी वो रेस्ट में है, सी में भी वो रेस्ट में है, तीनों कंडीशन में द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम है कि नहीं? तीनों कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। बस आपको भरना ये है व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ए में कौन सा, बी में कौन सा, सी में कौन सा। करेंगे क्या? थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और देखेंगे। वापस आ गया तो स्टेबल, भाग गया अनस्टेबल, जहां छोड़े वहीं रुक गया तो न्यूट्रल। सोचो ए में कौन सा इक्विलिब्रियम है भैया, थोड़ा सा धक्का देके देखो ये कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखा फीलिंग में आने लगा है। बी में थोड़ा सा धक्का दो, छोड़ दो, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सी में थोड़ा सा धक्का दो, छोड़ दो, इट इज बढ़िया है। तो अब फीलिंग में आ गया बड़ी, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, ये भी स्कूल में नहीं पूछेंगे सर, जो स्कूल में नहीं पूछेंगे क्यों पढ़ा रहे? अरे यार समझोगे कैसे, स्कूल में तुम्हारा टू का टेबल नहीं पूछते हैं, टू का टेबल भूल जाओ, टू से नाइन तक का टेबल भूल जाओगे तो स्कूल का कुछ भी कर पाओगे नहीं, नहीं पूछेंगे तो क्या हुआ, वो जरूरत में आएगा हर जगह, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसी फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट जानने के लिए। किसी बॉडी के ऊपर एजेंट ने फोर्स लगा दिया, जिसके ऊपर लगाया उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, जो फोर्स लगाया उसके चलते क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, कैसा इफेक्ट दिखाएगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सोचो हमारे पास कोई एक डंडा है भैया, इसको मैं एक फोर्स लगाया, अगर इधर को फोर्स लगाया तो इधर को गया, अगर इधर को लगाया होता तो इधर को आता, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जल्दी जल्दी जाएगा। मतलब फोर्स का किन किन चीजों के ऊपर इसका मोशन डिपेंड करता है, एक हुआ मैग्नीट्यूड, दूसरा हुआ डायरेक्शन, है कि नहीं? तो इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये सबको समझ में आता है, कोई नई चीज नहीं है। और क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी समझ में आता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबको ध्यान में नहीं आता है वो ये इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई एक डंडा है, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको यहां पे कोई एक फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन का और केस बदलता हूं, इस बॉडी को
दोबारा यहाँ पे ले लिया और सेम फोर्स को यहाँ पे भी लगाया, इस केस में भी लगाया, लेकिन कुछ यहाँ पे लगा दिया। सोचो तो इस केस में फोर्स और इस केस में फोर्स का, क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ है। क्या दोनों फोर्स का डायरेक्शन बराबर है? हाँ है। क्या दोनों केस में बॉडी का मोशन बराबर होगा? नहीं, ये बॉडी तो कुछ ऐसे जाएगा जबकि ये कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। इस केस में यू विल नोटिस दैट द बॉडी इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, जबकि इस केस में यू विल नोटिस दैट द बॉडी इज मूविंग समथिंग लाइक दिस। ये हो गई फोर्स, फोर्स का इफेक्ट ये कुछ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बॉडी का कैसा मोशन होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट ऑल्सो ऑन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कौन से पॉइंट में आ रहा है कि नहीं। इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ध्यान रखना है, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आगे चल के हम लोग ढेर सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी मैं कोई नया फोर्स के बारे में बताऊंगा तो आपको तुरंत तीन चीज पूछना है, सर मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और कौन सा पॉइंट में आता है। मान लो आपके बगल में जो लड़का बैठा है वो आपको पुश कर दिया एक छोटे से फोर्स में, कितना, 2 न्यूटन फोर्स में, ऐसे, तो आप कंप्लेन करोगे तो सर हंसेंगे, सर मेरे को पुश किया, मारेंगे नहीं तुमको, क्या पुश कर दिया। लेकिन आपको बताना चाहिए कितने, सर पूछेंगे कितना फोर्स में पुश किया, 2 न्यूटन में, 2 न्यूटन में पुश किया तो रो रहा है, किधर को पुश किया, ओ मेरे को लेफ्ट को पुश किया, अरे लेफ्ट को पुश किया तो रो रहा है, क्योंकि सर को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, पूछना चाहिए कहां पर पुश किया। तुम अगर कंधे की जगह अगर आंख में पुश कर दोगे तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर्स, तो तुमको डंडे पड़ने वाले हैं। तो फोर्स का क्या इफेक्ट होगा वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो चैप्टर में हम लोग घुसने वाले हैं, दरवाजा खोल रहे हैं फोर्सेस चैप्टर का, उसके अंदर हमें करना क्या है, जो करना है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, नहीं तो चलता हो, कोई बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो चलेगा। बहुत सारे फोर्सेस, अब नेट फोर्स 0 का 2 केस हो सकता है, एक हुआ उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है तो नेट फोर्स 0 है, दूसरा केस हुआ उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 2 केस है। लेकिन सोचो पहला केस में कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है, वो कैसा पॉसिबल है, कम से कम वेट तो रहेगा, तो कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा ये इम्पॉसिबल है। तो बाकी रह गया दूसरा, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब हुआ उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ढेर सारे मतलब एक फोर्स होने से होगा क्या, अरे एक फोर्स होगा तो 0 कैसे होगा, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा 3, 4, 5, 6, 10, 50 फोर्स आ रहे हैं और सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, इसीलिए वो रेस्ट में है। तो ये इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम करने क्या वाले हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं और फोर्सेस के बारे में सारा कुछ जानकारी निकालना है, कितने ठो फोर्स आ रहे हैं और फोर्सेस के बारे में सारा जानकारी, मतलब हर फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता करना है, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। क्या बात समझ में आया, कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो आपको काउंट करना है कि कितने ठो फोर्स आ रहे हैं और सारा फोर्सेस के बारे में सब कुछ, मतलब हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता करना है, तो ये उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस। कितना खतरनाक है, देखो खतरनाक नहीं है, मैकेनिक शुरू हो रहा है यहां से। तो ये चीज करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा
पहला टॉर फ्री बॉडी डायग्राम, बढ़िया से समझना बेटा, ये नहीं समझोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे आगे इसको मैं प्यार से बीडी बुलाता हूं, तुम लोग भी बोलना FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इतना लंबा कौन लिखता है? जैसे किसका नाम अगर टिकेश्वर राव थे उसको टिंकू बुलाते हैं ना वैसे। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम। कोई नहीं पूछेगा व्हाट यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, कोई नहीं पूछेंगे व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, क्या पूछेंगे? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करो। समझ में आया? स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ोगे। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर शोन विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन चीज हमें निकालना था, कितने ठो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, हर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम तीन चीज निकाल देंगे, कितना ठो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में हमें तीन फोर्स मिलने वाला है, ध्यान रहे। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम मतलब जो बॉडी का कॉन्टैक्ट दूसरों से छुड़ा लिया गया, इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एनी मोर एनीवन, इसको कहते हैं आइसोलेटेड। आप एक दूसरे को लग के बैठे हुए हो, आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम हिम मतलब थोड़ा छोड़ के बैठना है, डोंट टच। समझ में आया? आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम वेयर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। कौन सा फोर्स? ओनली एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? एक्टिंग ऑन द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं। बॉडी किसके ऊपर क्या दे रहा है हमको कोई मतलब नहीं है, बॉडी के ऊपर जो जो फोर्स आ रहा है हम दिखाएंगे। चलिए चलिए एक फ्री बॉडी डायग्राम करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए स्पीयर, ये कोई एक स्पीयर है और ये एक स्पीयर है। ये स्पीयर थोड़ा रंगीला है, इसको थोड़ा रंगीला बना देते हैं। ये स्पीयर है और ये स्पीयर है कैसा, ये कुछ ऐसे रखा हुआ। यहाँ पर एक वाल है, चलो मानते हैं कि यहाँ पर एक वाल है, ठीक है। वाल थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं, यस। और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे रखा है कोई एक इंक्लाइन प्लेन, ऐसे रखा। अब ये स्पीयर फंस गया है कोई इंक्लाइन प्लेन और किसी एक वाल के बीच में फंस गया है, बेचारा कहाँ जाएगा, ऐसे फंस गया है। सपोज ये एंगल 30 डिग्री है और इसका मास है 5 kg। कहा गया है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्पीयर, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको फॉलो करेंगे। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम, इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। इस डायग्राम को हम आइसोलेटेड करेंगे, विल ट्राई टू आइसोलेट दिस बॉडी। ये बॉडी को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं। हम जानते हैं कि एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट देयर मस्ट बी फोर्सेस, एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट द बॉडी मस्ट बी एग्जॉर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जितना पा रहा है उतना फोर्स वो एग्जॉर्ट भी कर रहा होगा, ठीक है। एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट द बॉडी एग्जॉर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन टू इच अदर इन ए डिरेक्शन नॉर्मल टू देयर स्मूथ सर्फेसेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पॉइंट में ये इसको फोर्स दे रहा होगा, ये उसको फोर्स दे रहा होगा, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये किसको किया दिया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स कौन दे रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है वाल, वाल पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है, कैसे पता करेंगे? थोड़ा वाल को निकाल दो,
थोड़ा वायर को अगर निकाल देते हैं तो ये गिर जाएगा, वायर को निकाल देंगे तो ये गिर जाएगा, तो जब ये यहां पर था ये गिर क्यों नहीं रहा था, पक्का वायर इसको पुश कर रहा था इसीलिए गिर नहीं रहा था, पक्का वायर इसको पुश कर रहा था, वाल को आइसोलेट किए तो पता चला ये गिर रहा है, अब ये गिर नहीं रहा था मतलब वाल पुश करके रखा था। इस इंक्लाइन प्लेन को निकाल देंगे ये इधर को गिर जाएगा, अभी क्यों नहीं गिर रहा है भैया, पक्का ये इंक्लाइन प्लेन इसको पुश कर रहा है, कैसे, नॉर्मल टू द सरफेस। तो देयर आर टू कॉन्टैक्ट पॉइंट, दो कॉन्टैक्ट फोर्स दिखा दिए, लेकिन कहानी वहां पे खत्म नहीं होता है। बोला है इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम, फिर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, क्या उसके ऊपर कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी है, ढूंढो, हाँ वेट तो है, वेट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वो भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि वेट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स, तो वेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया, वेट कहां पे आता है भैया, ये तो आता है सेंटर में, कैसे आता है, नीचे की तरफ। अब मैं देखा कि इस बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, थ्री, चलो हम इनका नाम देते हैं कुछ F1, इसका नाम देते हैं F2, इसका नाम है वेट। कोई लेमैन को पूछोगे जो कभी पढ़ा नहीं, पढ़ाई नहीं किया, स्कूल नहीं गया, ये स्फीयर यहां पर क्यों है, क्यों रेस्ट में, बोले अरे इधर इंक्लाइन प्लेन है, ये वाल है इसीलिए रेस्ट में, हाँ वो तो सही है, लेकिन आप जानते हो कि इसलिए रेस्ट में नहीं है कि वाल से डरता है, इंक्लाइन प्लेन से डरता है, ये इसलिए इंक्लाइन रेस्ट में है क्योंकि इसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं और ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है। अगर आप ये वाल को निकाल दोगे लेकिन ये वाला फोर्स लगा दोगे, रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर ये प्लेन निकाल दोगे ये वाला फोर्स लगा दोगे, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये हवा में लटकते हुए रह जाएगा, अगर आप ये तीनों फोर्स लगा दोगे कोई वाल और इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है, है कि नहीं। So the body is now isolated from all its contact with the help of external forces acting on the body, and in addition we have to show the isolated external forces with proper direction and point of application। देखें ये फोर्स इस पॉइंट में आ रहा है, हाँ मैं तो सही दिखा है इस पॉइंट में आ रहा है, ये फोर्स इस पॉइंट में आ रहा है अभी सही है, ये सेंटर पे आ रहा है हाँ अभी सही है, अच्छा डायरेक्शन, ये फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है, सो ऐसा है नॉर्मल टू द सरफेस मतलब इट मस्ट बी पासिंग थ्रू द सेंटर, है कि नहीं, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब इट मस्ट बी आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर, और ये डाउनवर्ड है तो इसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सीधा इधर को वेट सीधा नीचे की तरफ, इनका डायरेक्शन तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है F2 इसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, क्यों बताओ, क्योंकि ये फोर्स कुछ टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है तो कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है, नहीं तो आप कैसे करो, फ्यूडी डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें दिखाना है सारा एक्सटर्नल फोर्स विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैं सारा एक्सटर्नल फोर्स दिखाया हूं, देयर आर थ्री एक्सटर्नल फोर्सेस, मैं उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी ठीक ठाक दिखाया हूं, बस बाकी रह गया डायरेक्शन, वो भी इसका डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं, इधर को सीधे बोलने से चलता है, इसका इधर को नीचे चलता है, ये F2 टेढ़ा कितना टेढ़ा है बताना पड़ेगा, कितना टेढ़ा है बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि यहां पे क्या एंगल कर रहा है, लेकिन हमें तो मालूम है कि F2 इज द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब F2 कैसे एक्ट कर रहा है भैया, ये जो F2 है सॉरी ये जो F2 है यहां पे, ये जो F2 है ये कुछ ऐसा है नॉर्मल टू द प्लेन है, अच्छा नॉर्मल टू द प्लेन है तो आप जानते हो कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो यहां पर लिखना है कि ये 60 डिग्री है। अब थ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ, द थ्री बॉडी डायग्राम इज कंप्लीटेड, वी हैव शोन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विथ प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डायरेक्शन, तो ये थ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ। जिनका थ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा उनका नेक्स्ट स्टेप में हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ये कितने न्यूटन का, ये कितने न्यूटन का बताओ, बता देंगे, लेकिन उसके लिए ये होना जरूरी है। क्या बात समझ में आया, कोई बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं सारे दिखाना है तो उसको हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल में इतना बोल देते हैं,
लेकिन सारे फोर्सेस को क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन प्रॉपरली दिखा रहा है। क्या बाकी रह गया, मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर इफेक्ट जानने के लिए तीन चीज जानने की जरूरत होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डायरेक्शन दिखा चुके, बाकी रह गया मैग्नीट्यूड। हाँ, तो वी हैव अंडरस्टूड फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए और एक तो फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं कहूं कि यहां पर कोई एक स्पीयर है। अब ये स्पीयर हुआ यूं है कि ये कुछ झूल रहा है, किसी वाल से झूल रहा है। कैसा वाल? वाल कुछ ऐसा है, ये वाल से झूल रहा है। वाल से झूल रहा है, कैसे झूल रहा है? बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड। कैसा है थ्रेड? थ्रेड कुछ ऐसा है, ठीक है, ये थ्रेड ऐसा है। और दिया है कि ये एंगल जो है 30 डिग्री है और इसका मास है 6 kg। हमें ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर। कुछ करने से पहले आप बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम में हाउ मेनी फोर्सेस आर टू बी शोन? कितने तो फोर्स आ रहा है, सोचेंगे तो ढूंढेंगे कैसे, देखेंगे कितने तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, कितने से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तो एक ही फोर्स है, वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है गिनती करो। कॉन्टैक्ट फोर्स कहां पे आएगा? जहां पर वो टच कर रहा होगा। तो हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? थ्री फोर्सेस, क्योंकि यहां पर कॉन्टैक्ट में, यहां पर कॉन्टैक्ट में और एक वेट। चलो ठीक है भैया, तो वेट पहले दिखाया और दिखाना कि सेंटर में आ रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को प्रॉपरली दिखाना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस चैप्टर में गड़बड़ नहीं होगा लेकिन अगले चैप्टर में गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को प्रॉपरली नहीं दिखाओगे जब हम टॉर्क और मोमेंट निकालेंगे। हाँ, तो पहला वाला हुआ वेट। कितना है वेट? दिया है मास इसका 6 kg, तो वेट होगा mg, 6 × g, 60 newtons। और ये जो वाल है वो इस बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? थोड़ा रंगीला बॉल बना देते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये बॉल ऐसा है, बताओ ये वाल बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? वाल बॉल को पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? वाल को निकालो, बॉल भाग के आएगा, मतलब वाल रोक के रखा था, मतलब वाल पुश कर रहा था। कहां पे? यहां पे कर रहा था। हाँ, तो यहां पे भी एक फोर्स है। और थ्रेड इस स्पीयर को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? अरे थ्रेड तो हरदम पुल करता है, थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हैं क्या? नहीं, पुल कर रहा है। तो कहां पे? यहां पे कर रहा है, तो यहां पे पकड़ो इसको, खींचो इधर, थ्रेड खींच रहा है। थ्रेड जिस फोर्स में खींचता है उसी को कहते हैं टेंशन। क्या बात, समझ में आ गया? अब सारे तीन फोर्स आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखा दिए, इन दोनों का डायरेक्शन भी देखने से समझ में आ रहा है। ये टी थोड़ा टेढ़ा, कितना टेढ़ा जानने के लिए सोचेंगे कि अगर ये जो फोर्स है ये नॉर्मल टू दिस है तो दे मस्ट पास थ्रू दी सेंटर, इनको सेंटर से जाना जरूरी है, ये सेंटर से पक्का जाएंगे क्योंकि नॉर्मल टू स्पीयर ऑलवेज पासेस थ्रू दी सेंटर, है ना? अभी आपको बताना ये कि क्या है ये एंगल, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, कितना टेढ़ा है? टेढ़ा तो है पर मेरा एंगल बताना पड़ेगा, नहीं? Yes. कितना एंगल होगा ये एंगल? सोचो, ये एंगल दिया है 30, नहीं? तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? देखो ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 30 है, 90 है ना? तो पता चल गया, ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बातें, समझ में आया? बढ़िया। चलिए एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। अभी बाकी है हमारा मैग्नीट्यूड निकालने वाली चीज, इसके लिए पूरा ताकत चाहिए। तो अभी जो थोड़ा सा समय है, आज जो जो चीजें समझ में आए उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? इन इच ऑफ फॉलोइंग केसेस,
इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस प्लीज आर मासलेस। पुली का कोई मासलेस नहीं है, मतलब दे आर आइडियल पुलीज। इन ईच केस फाइंड एम फॉर व्हिच इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर व्हिच द पुली विल बी इन इक्विलिब्रियम। केस वन, यहां पे कोई पुली है, थोड़ा ड्रॉप है, ये कोई पुली है, पुली को इधर से बंधा हुआ है, बांध दी, पुली के ऊपर से कोई थ्रेड आ रहा है, ऐसा ऐसा आया, और इधर भी कोई थ्रेड आ रहा है, वो ऐसा आया ऐसा आया। अब पुली क्या हुआ है, यहाँ पे कोई पुली लगा है, ब्लॉक लगा है ऐसा, और यहाँ पे कोई ब्लॉक लगा है ऐसा, है ना। तो आप कहोगे ये मास है एम, जो पता करना है आपको, ये दिया है 3 kg। पूछा है एम क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा मतलब मूव नहीं करेगा, बात समझ में आया ना। ये पहला केस। केस टू, केस टू में हम इसको दोबारा ले जाएंगे दूसरे पेज में। कॉपी केस टू, सेकंड केस में केस बदल रहा हूं। क्या दिया है, ये पुली कुछ यहां से निकालो इसको भगाओ, ये आया थ्रेड नीचे, नीचे आया तो यहां पर था दूसरा पुली, यहां पर था दूसरा पुली, और दूसरा पुली से थ्रेड कुछ ऐसे गया था, ये गया था थ्रेड ऐसे, अच्छा बड़ा टेढ़ा हो गया ये, अच्छा ठीक है। और इस पुली से कोई दूसरा ब्लॉक झूल रहा है, ये ब्लॉक। पूछा है एम का वैल्यू क्या होने से, एम का वैल्यू क्या होने से ये एम रेस्ट में रहेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया, देख लो एम का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना, ये रेस्ट में रहेगा। What should be the value of m for which it will be at rest? मैं थोड़ा इसको यहाँ पे डालता हूँ, रुक। ये थ्रेड इधर से घूमते हुए जा रहा है, ऐसे घूमते हुए गया है, और मैं यहाँ से इसको झुला दिया हूँ। बोला कि m का वैल्यू क्या होगा तो ये रेस्ट में रहेगा। क्या बात समझ में आया। तीसरा केस, तीसरा केस, केस सी। क्या पूछा है, पूछा है कि अगर मैं कुछ अरेंजमेंट को और बदल देता हूं, थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूं, ये चल तुम दोनों भागो, डरो मत, मैं हूं तो काम बन जाए। ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, बड़ा टेढ़ा कुकरी की तरह टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे जैसे ना दिखता है ना उसके ऊपर, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। बोला है कि यहाँ पर दिया है इस पुली का मास m है, इसका मास 4 kg है, नहीं 4 kg एक ठो ले चुके हैं, लेट अस टेक इट 10 kg। बताओ m का वैल्यू क्या होगा, सब कुछ रेस्ट में रहेगा। मजेदार क्वेश्चन। मैं यहाँ पर भी सुंदर दिखने के लिए पुली को डाल रहा हूं, कोई दूसरा रीजन है नहीं, आई हैव इंसर्टेड द पुली हियर।
बाकी के चीज तुझा बेकार का गंदा फैला है। ठीक, ये हो गया, ये ऐसे लगा, ये 10 kg है थ्रेड़ा के यहाँ पे लगा है, और ये जो पुली है यहाँ पे ये भी कुछ ऐसा ही वाला है, बड़ा सा है। यस, बताना ये है आपको कि ये एम का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये रेस्ट में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्योंकि मैं आज थ्योरी को और आगे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहां पे कुछ निमिरकर्ष कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला केस, एम का वैल्यू क्या होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मैं ध्यान से मैं बनाता हूं, तुम लोग ध्यान से देखना। फ्री बॉडी डायग्राम और 3 kg, क्या कोई मुझे बताएगा कि इस 3 kg के ऊपर कितने ठो एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग? एक तो हुआ उसका वेट 3g, जिसका वैल्यू है 30 N। दूसरा ये थ्रेड, ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल करेगा सर, थ्रेड किसी को पुश क्या करता है? नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? टेंशन। क्या ये 3 kg रेस्ट में रहेगा? हाँ, अगर एम रेस्ट में रहेगा तो 3 kg भी रेस्ट में रहेगा, पक्का, देयर इज नो डाउट। 3 kg अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या कहोगे? ये 3 kg रेस्ट में, क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ उतना ही फोर्स होगा, इसीलिए तो रेस्ट में है। ऊपर जितना खींच रहा होगा नीचे उतने में खींच रहा होगा। इसका मतलब हुआ T must be equal to 3g और 30 N। क्या बात, समझ में आया? अच्छा, इधर 3 kg है, इधर m है, टेंशन कहां पे ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? यहां पे टेंशन ज्यादा होगा कि यहां पर टेंशन ज्यादा होगा? इन ए कंटिन्यूअस थ्रेड, मासलेस थ्रेड पासिंग ओवर आइडियल पुली, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। यहां पे, 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 हर जगह टेंशन बराबर होता है कि नहीं? अच्छा, तो चलो 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 हम करते हैं थ्री बॉडी डायग्राम। किसका? एम का। एम का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, एम का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, इसके ऊपर क्या फोर्सेस आते हैं भैया? ओ, इसके ऊपर आ रहा है mg, इसका वेट और टेंशन कितना? जितना इस पे था, क्योंकि यहां का टेंशन बराबर है। इट इज सेम थ्रेड सो टेंशन हैज टू बी सेम, तो यहां पर टेंशन टी है। आप कहोगे 8 इक्विलिब्रियम, टेंशन इज इक्वल टू क्या हुआ? mg, जबकि हम पहले से देख चुके हैं टी इज इक्वल टू mg, 3g, यहां पर आया mg, मतलब 3g इज इक्वल टू mg, मतलब m इज इक्वल टू कितना? 3। अगर ये 3 kg है तो ये m होगा 3 kg, दोनों तरफ बराबर रखेंगे रेस्ट में रहेगा। वो सिंपल सा चीज है जो आपको मालूम था। मैं कैलकुलेट क्यों किया? क्योंकि तरीका पता चलेगा दूसरे केस में करने का। हर एक पार्ट का इंडिविजुअल ले लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम और फिर सब उससे निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? अब ऐसे भी जो कभी स्कूल नहीं गया उसको पूछोगे इधर 3 kg झूला, इधर कितना झूलाएंगे कि ये रेस्ट में रहेगा? बोलेगा 3 kg झूला दो भाई, दोनों तरफ बराबर होगा तो झूल के रहेगा, सबको मालूम। बट हाउ, दैट हाउ इज अंडरस्टूड हियर, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द हाउ यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है एम क्या होगा? अच्छा, एम क्या होगा? थोड़ा सोचे सोचे, अरे भैया एम क्या होगा, हमें सोचना है। चलो सोचते हैं, सोचने में क्या हर्ज है? पहले हम थ्री बॉडी डायग्राम करेंगे फॉर mkg, फॉर, और थ्री बॉडी डायग्राम फॉर एम। हाँ, एम का फ्री बॉडी डायग्राम करो, फटाफट निपटाओ। एम के ऊपर कितना तो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? एक हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg, दूसरा हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स टी, और ये तो किसी को टच नहीं कर रहा है, देयर इज नो अदर फोर्स ऑन इन एट इक्विलिब्रियम। आप कहोगे ये क्वाइट सिंपल है कि mg = t, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स,
जितना जोर से ऊपर खींचना उतने जोर से नीचे खींचेगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और बोला है कि इक्विलिब्रियम में रहने का कंडीशन तो टी होना चाहिए एमजी। कहानी खत्म नहीं होता, बात करेंगे हम ये पुली की पी का। ये पुली का नाम है पी। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पी दिया है पुलीज आर मासलेस, मतलब ये पुली के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना भैया, ये जो थ्रेड इधर गया है, प्लीज गिव अटेंशन, ये थ्रेड ऐसे गया है, ये वाला थ्रेड पुली को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। ये वाला थ्रेड ये भी तो पुल कर रहा है, तो दोनों थ्रेड पुल कर रहे हैं, ये भी और ये भी। इंटरेस्टिंगली इट इज द सेम थ्रेड, मतलब टेंशन हर जगह बराबर है, सो देयर आर टू टेंसाइल फोर्सेस। क्या बात समझ में आया? अब यहां पर जो फोर्स है दूसरा, यहां पर ये थ्रेड भी तो है, ये थ्रेड इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। ये थ्रेड इसको नीचे कितने जोर से खींच रहा है? जितने जोर से 4 kg खींच रहा है। कितना है ये? 4g। क्या बात समझ में आया? अब कहोगे इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या रिलेशन कहोगे? ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स बराबर है, एट इक्विलिब्रियम। ऊपर को है 2t, नीचे को है 4g। ऊपर की तरफ क्या है? 2t, नीचे की तरफ 4g, और ये रेस्ट में। अब t की जगह अगर mg डाल देंगे तो सो क्या मिला? t की जगह mg डालो, 2mg इज इक्वल टू 4g, मतलब m कितना होना चाहिए? 2 kg। जी जी को खा गया और 2 डिवाइड हो गया तो मिला 2 kg। सो इफ m इज इक्वल टू 2 kg, यू कैन कीप द बॉडी एट रेस्ट। क्या बात समझ में आया? 4 kg को रेस्ट में रखने के लिए 2 kg लगा तो रेस्ट में आ जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि मैं फेल हो गया? बस मैं पास हो गया, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन सी। चले पूछा कि एम कितना है, एम थ्री बॉडी डायग्राम 10 kg का करते हैं। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg, क्या कोई पहलवान मुझे बताएगा 10 kg के ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं? How many forces are acting on 10 kg in the three body diagram? 15. No. आप बोल दिए 3, जो कि गलत है। चलो देखते हैं। एक तो हुआ आंख बंद करके लिखेंगे कि उसके ऊपर एक वेट तो पक्का रहा होगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, है ना? ये है, ये जो फोर्स है वो 10g है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये वाला थ्रेड भी तो इसको पुल कर रहा है, ये वाला थ्रेड, हाँ ये भी तो पुल करेगा, थ्रेड मतलब पुल करेगा। और ये जो थ्रेड है ये भी तो एक थ्रेड है, ये भी तो खींच रहा है, तो इसका मतलब ये वाला थ्रेड भी पुल कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये एक ही थ्रेड है, सेम थ्रेड है, घूम फिर के गया है, मतलब टेंशन हर जगह बराबर होगा। समझ में आ रहा है? टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। अच्छा तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ जितना फोर्स होगा नीचे की तरफ उतना होगा तभी तो रहेगा। ऊपर की तरफ क्या है? 2t, नीचे की तरफ 10g प्लस t। ऊपर की तरफ 2t, नीचे की तरफ 10g प्लस t। तो आप कहोगे 2t मस्ट बी इक्वल टू 10g प्लस t, मतलब t कितना हो गया? 10g। लेकिन हमें तो m पता करना है, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। चलिए एम का थ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम, FVD ऑफ एम। एम क्या है? एम तो एक स्पीयर है, एम इज ए स्पीयर। एम इज ए स्पीयर। क्या अभी आप ठीक से बता सकते हो कि एम के ऊपर कितने फोर्स आ रहे हैं? एक तो वेट mg, और m को ये थ्रेड भी खींच रहा है, कैसे? ऊपर की तरफ, इसको भी ऊपर की तरफ, थ्रेड ऑनली पुल करता है। देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप बोलोगे सर ये यहाँ पे टेंशन तो आप ऐसे दिखाए थे। हाँ
इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ है, इस थ्रेड की चलते इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ है, ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है और इसको भी पुल ही तो कर रहा है, ये वाला थ्रेड इसको ऊपर पुल कर रहा है, इसको नीचे पुल कर रहा है कि नहीं, ये बात है। तो इसके ऊपर जब हम त्रिभुजी डायग्राम करेंगे टेंशन को कैसे दिखाएंगे, ऊपर की तरफ 180 डिग्री। आप क्या कहोगे, टूटी ऊपर वाला फोर्स इज नीचे वाला फोर्स, टी कितना था 10g, टी की जगह 10g डालो तो 20g इज इक्वल टू mg, क्या मतलब हुआ, मतलब m हो गया 20 kg, मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए n का वैल्यू 20 kg होना जरूरी है। क्या बात, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, धीरे धीरे मैकेनिक्स में डालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग आज काफी कुछ चीजें देख ली, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में देखे हम लोग टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, फिर हम लोग देखे फ्री बॉडी डायग्राम, फिर हम देखे व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर हम लोग देखे कि इक्विलिब्रियम को यूज करके हम कैसे टेंशन पता करते हैं किसी एक थ्रेड में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, चैनल में आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहां पे कोई ये सेम क्वेश्चन का बी डी है, दिया है कि यहां पर है एक डंडा, ऐसा कोई एक वजनदार चीज है, और पता चला कि इसके ऊपर ऐसे ढेर सारे पुली लगे हुए हैं, ये पुली है, ये पुली है, ऐसा ढेर सारे पुली लगे हुए हैं, ये दो है और चलो मानते ये तीन है, तीन पुली ऐसे लगे हुए, और क्या दिया है, यहां से कोई थ्रेड ऐसे गया है और लगा है कहां पे, वाल पे, फिर यहां से कोई थ्रेड गया है और यहां पे लगा है किसी दूसरे पुली में, और ना दूसरे पुली में लग के नीचे आया, ऐसे जब नीचे आया यहां पर तो ये जो फिगर था ये इसके पास में बगल में था, इस पुली में होते हुए फिर से गया ऊपर और फिर यहां पर किसी दूसरे पुली में आया, फिर आया नीचे, जब फिर आया नीचे तो ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे आया और ये यहां से घूम के गया फिर ऊपर और पता चला यहाँ पर था दूसरा पुली, कितना टेढ़ा है, और यहां से झूल रहा है कोई एक मास जिसका वैल्यू है क्या, ओनली 5 kg, और ये सारा का सारा पुली ऊपर बंधे हुए हैं। I hope you understand the figure. Now, in this figure, you are to find out the value of m for which, value of m for which, value of m for which, ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहेगा, ये दे दिया है कितना, ये दिया है वैल्यू ऑफ m दिया है कितना, वैल्यू ऑफ m दिया है 5 की, वैल्यू ऑफ m निकालना है और ये रेस्ट में है, बताना है m क्या होगा, तो सब कुछ रेस्ट में रहेगा, फाइंड m फॉर इक्विलिब्रियम, देखते हैं चैनल में सबसे पहला आंसर किसका आता है और सही आंसर किसका आता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय जय।